आवास के नाम पर एक विकलांग से मांगा गया रिश्वत, रिश्वत ना देने पर आवास लाभार्थी का काट दिया गया नाम। जनपद कुशीनगर विकासखंड दुधई के ग्राम सभा कोकिल पट्टी का मामला प्रकाश में आया है। आवास के नाम पर विकलांग से मांगा गया रिश्वत। हाँ, जिला क्या है? पोस्ट क्या मैटर है? मैटर ये है कि सर, आवास हमको सब आदमी का आवास आया और हमारा भी उसमें नाम था। हमारा भाई का मकान दिखा करके और 10,000 रुपया मांग रहे थे, उनको नहीं दिए, इसलिए वो हमारा आवास काट दिए हैं। कहते हैं तुमको आवास नहीं मिलेगा। कितना दिन हो गया? आज 3-4 महीने हो गए। बोले उनके पास दोबारा गए थे? दोबारा क्या, बहुत दिन हो रखे हैं। कह रहे हैं कि सेक्रेटरी मांग रहे हैं 10,000 दे दो और हमको दे दो 10,000, तो मेरा आवास हम कमीशन मांग रहे हैं। हम कहाँ से देंगे? हम खुद अपाहिज आदमी हैं, हमारे खुद हमको खाने के लिए देंगे। और उस बात हम आए तो हमारा घर चेक किया जाए और देखा जाए हमारा मकान है कि नहीं है। कितना महीना हो गया? कितना महीना हो गया? 4-5 महीने हो गया, सब मिला जुला के 4-5 महीना हो गया। कटल 4-5 आदमी के मिल गई, यही में हमारा कट गई। हाँ, अतवार के मिल गई, मेरा तो धुरका के मिल गई, दो आदमी और मिल गई। हाल में हमार ना दो हमार कट गई। तो किस चीज़ के लिए क्यों काट दिए वो? उनको ना हम पैसा दिए ना वो हमको आवास दिए, भाई के मकान का कर दिए। मतलब कमीशन मांग रहे थे तुमसे? हम हमसे मांग रहे थे कमीशन, तुम नहीं दिए। कहाँ से देंगे? पैसा ही नहीं मेरे पास तो। बस यही प्रॉब्लम था। हमारा चेक किया जाए कि मकान है कि पूछ करवा रहा है। ठीक।